अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलवेशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा, सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे ज़्यादा फजीलत वाली दुआ अस्तगफार यानी अल्लाह ताला से गुनाहों की बख्शिश मांगना है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब अब आप यह देख सकते हैं ये कंबाइंड इनइक्वालिटी है, तो थोड़ा सा हम इसको पहले पार्ट्स बना लेते हैं। -4 < 3x + 5 और 3x + 5 < 8। आप इसको यूँ समझ लें कि हम इसको इसके साथ भी लिख रहे हैं और इसको फिर दोबारा से इसके साथ भी लिख रहे हैं। तो अब सबसे पहले +3x को इधर लेकर आएंगे, जो आपके पास आ जाएगा -3x < ये 5 है, ये -4 इधर आके +4, ये आपके पास आ जाएगा -3x < 5 + 4 = 9। अब आप देख सकते हैं क्योंकि -3 है तो इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे, 3x - -3 > 9 / 3, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x > -3। एज इट इज़ हम दूसरी साइड को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 3x < 8 ये +5 इधर आके -5, और 3x < 8 में से 5 निकालेंगे 3, इसको डिवाइड कर देंगे x < 3 / 3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा x < 1। अब आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब हम आंसर लिखेंगे तो हमने आंसर को कंबाइन करके लिखना है। अब अगर आपसे एक रफ सी बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपके पास दो नंबर हैं 1 और -3, तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि 1 > है -3 से, या इसको अगर अपोजिट तरीके से बोलें तो हम यूँ कह सकते हैं कि -3 जो है वो < 1 है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट कंबाइन बना के लिखेंगे तो हम इसको यूँ लिखेंगे हम इसको इक्वेशंस के नाम दे देते हैं, कंबाइन 1 and 2। तो अगर हम इसको अब सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको यूँ लिखेंगे x such that, अब देखें -3 और 1 के साथ अगर हम कंपेयर करें तो -3 छोटा है, -3 < x < 1 है, और ये हमारा सॉल्यूशन सेट है और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब 2। इसको भी ऐसे ही हम पहले इन दोनों को इस तरीके से लिखते हैं, यानी इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, -5 = 4 - 3x / 2 एंड 4 - 3x / 2 < 1। अब इस 2 को जरा मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा -10 = 4 - 3x, ये -3x इधर शिफ्ट हो गया, आपके पास +3x हो जाएगा, और ये 4 - 10 इधर आके +10, तो 3x < 10 = 10 + 4 = 14, और अगर आप इसको इधर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 14 / 3। एज इट इज़ हम इसको भी करेंगे, 2 1 = 2, 4 - 3x < 2, तो आपके पास ये आ गया -3x < 2, ये +4 उधर जाके -4, -3x < 4 में से 2 निकालेंगे -2, -3 है, तो जब -3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2 / -3, ये 3 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा x > 2/3। फिर बात वही आ गई कि आप अगर हम कंबाइन करके लिखेंगे तो ये 14/3 बड़ा है और 2/3 आपके पास छोटा है। अगर हम इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको यूँ लिखेंगे x such that 14/3 > x > 2/3, और अगर इसका सॉल्यूशन सेट हम एक और फॉर्म में लिखना चाहें इस तरह भी लिख सकते हैं, x such that 2/3 < x > 14/3, ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि ये इससे बड़ा है, तो इसका अगर ऑपोजिट बोलेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये इससे छोटा है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब 3, -6 > x - 2 / 4 एंड x - 2 / 4 < 6, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा -24 > x - 2,
इस एक्स को इधर शिफ्ट करें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स, और इस माइनस 24 को अगर आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 24 माइनस 2 माइनस एक्स लेस देन 22 माइनस नेक्स्ट माइनस एक्स के साथ अगर हम माइनस 1 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय माइनस 1, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन माइनस 22। एज इट इज़ इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस 2 लेस देन 64 दार 24, एक्स लेस देन 24 प्लस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स लेस देन 26। हम इसका कंबाइन आंसर लिखेंगे तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट एक्स सच दैट माइनस 22 लेस देन एक्स लेस देन 26, और इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपके पास आ जाएगा एक्स सच दैट 26 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन माइनस 22। ये आपके पास समझ लें कि 1 और 2 को हम कंबाइन करके लिख रहे थे। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, क्वेश्चन नंबर 4। हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 आर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 माइनस एक्स, और 2 1 आर 2। अब इनको कंबाइन करें, इस तरह तोड़ें इसको, 6 ग्रेटर देन 7 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस 6 इधर जाके माइनस 6, तो ये आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 में से 6 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 1। फिर 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये आपके पास माइनस एक्स है तो ये 2 है, ये प्लस 7 इधर आके माइनस 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5। अब इस एक्स के साथ माइनस 1 है तो इस माइनस 1 को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 1, ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास इनइक्वालिटी का साइन हमने यहाँ चेंज करना था, तो ये आपके पास आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 5। अगर हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे, अगर हम कंबाइन सॉल्यूशन सेट बनाएं, इसका नाम 1 रख दें और इसको 2 कर दें, कंबाइन 1 एंड 2, तो सॉल्यूशन सेट को सिर्फ फॉर्म में बनेगा x सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, नंबर 5। इसको भी हम तोड़ के लिखते हैं, आ जाएगा 3x माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 5 एंड 5 लेस देन इक्वल टू x प्लस 3, तो ये आपके पास आ गया 3x लेस देन इक्वल टू 5, तो ये माइनस 10 इस तरफ आके प्लस 10 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3x लेस देन इक्वल टू 10 प्लस 5 15, और इस 3 को तो डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3, एक्स लेस देन इक्वल टू आपके पास ये आ गया है 5। नेक्स्ट आपके पास ये प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 5 इधर जाके माइनस 5, ये आ गया माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 2, एक्स के साथ माइनस 1 है तो माइनस 1 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो इसके साइन भी चेंज कर देंगे, माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1, तो ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास आ चुका है 2। अब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे, 1 2, कंबाइन 1 एंड 2, तो ये आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन सेट, एक्स सच दैट 2 ग्रेटर देन, सॉरी 2 आपके पास लेस है, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, और ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, नंबर 6। इसको भी हम पहले इस तरीके से लिखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3 लेस देन इक्वल टू x माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 5 एंड x माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 5 लेस देन 4। तो पहले इस माइनस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा माइनस 3 इंटू माइनस 5 लेस देन इक्वल टू x माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 5 3 आर 15 लेस देन इक्वल टू x माइनस 4, ये x इधर आ जाएगा तो आपके पास माइनस x आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू माइनस 4 प्लस 15 उधर जाके आपके पास माइनस 15 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 19, तो इस माइनस के साथ इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दें
ग्रेटर देन इक्वल टू -19 डिवाइडेड बाय -1, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 19। अब इसकी तरफ चलते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा x -4 लेस देन 4 इंटू -5, x -4 लेस देन -20, x लेस देन -20, ये -4 इधर आके +4, x लेस देन -16। तो अब हमने कंबाइन करके आंसर लिखना है दोनों का, 1, 2 सॉल्यूशन सेट आपके पास कुछ यूं आ जाएगा, x सच दैट 19 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन -16, ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, नंबर 7, इसको भी इस तरह ही करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 1 -2x लेस देन 5 -x एंड 5 -x लेस देन इक्वल टू 25 -6x। तो ये आपके पास आ गया 2x, ये -x इधर आके +x लेस देन 5, ये +1 इधर आके -1, 2x में से x निकालेंगे, आपके पास आ गया -x लेस देन 4, तो -1 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, लेस देन साइन चेंज करेंगे इसका, लेस देन है तो ये ग्रेटर देन आ गया, 4 डिवाइडेड बाय -1, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा x ग्रेटर देन -4। एज इट इज इसको भी देखें, -x ये -6x इधर आके +6x लेस देन इक्वल टू 25, और ये +5 इधर जाके -5, 6x में से ये वाला x निकलेगा तो ये आपके पास आ जाएगा 5x लेस देन इक्वल टू 25 में से ये आपके पास आ गया 20, तो ये आ जाएगा x लेस देन 20 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 4। अब इसका भी हमने आंसर कंबाइन करके लिखना है, अगर हम इस आंसर को कंबाइन करके लिखेंगे तो कंबाइन 1 एंड 2, सॉल्यूशन सेट आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा, x सच दैट -4 लेस देन x लेस देन 4, ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, नंबर 8, 3x -2 लेस देन 2x +1 एंड 2x +1 लेस देन 4x +17। तो ये आपके पास आ गया 3x +2 इधर जाके -2, और ये -2 इधर जाके +2, 3x में से 2x निकालेंगे, x आ जाएगा x लेस देन 3, 2x +4x इधर आके -4x लेस देन 17, +1 इधर जाके -1, तो ये आपके पास आ गया -2x लेस देन 16, -2x -2 ग्रेटर देन 16 डिवाइडेड बाय -2, तो इसको कैंसिल करेंगे, आ जाएगा x ग्रेटर देन -8। तो अब अगर हम कंबाइन आंसर को लिखेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 कंबाइन 1 एंड 2, सॉल्यूशन सेट आपके पास यूँ आ जाएगा, x सच दैट -8 लेस देन x लेस देन 3, ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा, अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो लिंक देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।